हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमोपैथी एंड डियर समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन को डिस्कस करूंगी, जो कि एक नोजोड है। और नोजोड का मतलब क्या होता है, जो डिजीज़ प्रोडक्ट, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट, डिजीज़ पार्ट से जो दवाई बनती है उसे हम नोजोड कहते हैं। तो ट्यूबरकुलिनम किससे बनी है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पस ऑफ ह्यूमन पल्मोनरी ट्यूबरकल, यानी कि जो ट्यूबरकल बना लंग्स में उसी के पस से ये दवाई बनी है, ठीक है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन और द पार्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज दैट द पेशेंट शुड हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलर अफेक्शन, यानी कि जो मरीज़ है उसकी ट्यूबरकुलर अफेक्शन की फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके घर में किसी को टीबी हुआ होना चाहिए, या फिर आप देखो फैमिली में आपको ट्यूबरकुलर हिस्ट्री मिलनी चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द ट्यूबरकुलिनम, दैट इज़ द पेशेंट शुड हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबरकुलर अफेक्शन। ये बहुत ही अच्छी दवाई है। हम देखें स्किन के लिए, एक्जिमा हो गया, प्लाइका पोलोनिका हो गया, बॉयल्स हो गए, स्किन के जो भी अफेक्शन हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। साथ ही साथ हेडेक की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम देखें रेस्पायरेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, GIT की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन सब में एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द पेशेंट शुड हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलर अफेक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्या सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलिनम के, वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें कि हमको हर दवाई का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो फॉस्फोरस है उसमें भी स्लिम, टॉल, फ्लैट, नैरो चेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ट्यूबरकुलिनम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, टॉल, स्लिम, फ्लैट एंड नैरो चेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। द पेशेंट इज़ हैविंग द लाइट कॉम्प्लेक्शन एंड द ब्लू आइज, ओके। एक्टिव एंड प्रिकॉशियस मेंटली, जो मरीज़ होते हैं ट्यूबरकुलिनम के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड दे आर एडवांस्ड विद देयर एज। कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए ऐसा बोला जाता है ये अपनी उम्र से आगे हैं, ठीक है। दे आर वेरी मच प्रिकॉशियस मेंटली, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जो खुद की एज है उससे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ओके। दीज आर द पेशेंट्स ऑफ द ट्यूबरकुलिनम, बट दे आर वीक फिज़िकली, एक्टिव मेंटली बट वीक फिज़िकली। फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं एंड द पेशेंट हैव द ट्यूबरकुलर डायथिसिस। ट्यूबरकुलर डायथिसिस का मतलब होता है दे हैव द टेंडेंसी फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। डायथिसिस मीन्स द टेंडेंसी एंड द ट्यूबरकुलर डायथिसिस मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू डेवलप ट्यूबरकुलोसिस, ओके। बिकॉज इन द फैमिली देर इज़ सम वन हु हैव द टीबी, और फैमिली ट्री में आप देखोगे कि उनको किसी ना किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ होगा। नेक्स्ट है कुछ मेंटल सिम्टम्स जो इसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज़ फियर ऑफ डॉग्स। इनको बहुत ज़्यादा डॉग फियर होता है एंड देयर इज़ डिज़ायर टू यूज़ फाउल लैंग्वेज, कर्स एंड स्वेर। दे यूज़ द फाउल लैंग्वेज, दे ऑलवेज यूज टू कर्स एंड swear for something। कई लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो हर छोटी छोटी बात पे कि ऐसा होगा तेरे साथ, वैसा होगा, sharp type something, तो they are the tubercular mentality। The patient is naturally of sweet disposition। आप देखोगे इनको कि naturally इनका जो स्वभाव है वो sweet है, ओके। लेकिन एकदम से इनका जो है वो चेंज हो जाते हैं, ये एकदम से इरिटेबल हो जाते हैं, एकदम से ही ये मतलब उदास हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, एकदम से नेचर चेंज, ओके। सो दीज आर द थ्री मेंटल सिम्टम्स जो मेरे को आपसे डिस्कस करने थे। नेक्स्ट है सिम्टम्स एवर चेंजिंग। आप एवर चेंजिंग पर्सनैलिटी के लिए सबसे पहले दिमाग में पल्सेटिला लेकर आते हो, फिर आपके पास आ जाती है लेग कैन आ जाती है, फिर केली बाई आ जाती है। तो ये जो मेडिसिंस हैं दीज आर द चेंजिंग पर्सनैलिटीज़,
यानी कि इनके सिम्टम्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, सिम्टम्स एवर चेंजिंग, बार बार, आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों वो हुआ, मतलब सिम्टम्स जो हैं कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे हैं। आज गले में दर्द था, कल सर में दर्द हो गया, परसों हाथ में दर्द हो गया, उसके अगले दिन पैर में दर्द हो गया, समथिंग लाइक दैट। ओके, बिगिनिंग सडनली, सीजिंग सडनली, एकदम से बहुत सारी छींकें आई, जुकाम लगी, एकदम से ठीक, जो एकदम वाली पर्सनालिटी होती है, एकदम से सिम्टम चेंज, दीज आर द ट्यूबरकुलर्स। ओके, टेक्स कोल्ड ईजिली विदाउट नोइंग हाउ और वेयर, बहुत जल्दी इनको ठंड लग जाती है, ये भी नहीं पता रहता कि कहाँ से हवा आई थी, कैसे लग गई, बट बहुत जल्दी ठंड लग जाएगी। दे कैप्चर कोल्ड ईजिली विदाउट नोइंग हाउ एंड फ्रॉम वेयर दे टुक द कोल्ड। ओके, नेक्स्ट इज सीम्स टू टेक कोल्ड एवरी टाइम्स टेक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जब भी सांस लेंगे तभी ठंड लग जाएगी, ये एकदम से पर्सनैलिटी आप याद रख सकते हो, सडन ऑनसेट। ओके, नेक्स्ट है आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखो, एमासिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, व्हेन वी थिंक अबाउट दिस कंडीशन, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, वी कंसिडर द नेट्रम्योर, आयोडम एंड द मेनी मोर मेडिसिन्स फॉर इट, एब्रोटेनम, ओके, एंड द कैल्केरिया ऑल्सो, एब्रोटेनम, आयोडम, कैल्केरिया, नेट्रम्योर, दीज आर द प्रोमिनेंट मेडिसिन्स शोइंग द एमासिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड एंड द पेशेंट इज लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, अच्छे से खाना खा रहा है फिर भी उसको क्या है, फ्लैश लूज हो रहा है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द ट्यूबरकुलिनम। नेक्स्ट इज हेडेक, अब हेडेक में भी एक लाइन लिखी हुई है क्रोनिक, क्योंकि ट्यूबरकुलर हेडेक अगर हो रहा है तो टीबी को डेवलप होने में टाइम लगता है, ठीक है, तो हेडेक अपने आप क्रोनिक हो गया, क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा, 1 ईयर से ज़्यादा हो जाएगा, कंटिन्यूसली फिर सर दर्द होगा, तो हेडेक में भी लाइन लिखी हुई है ट्यूबरकुलर। सो हेडेक का पेन कैसा है वो हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे जो पेन है वो इंटेंस शार्प कटिंग पेन है, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ जो है वो इस तरीके से चुभ रही है, काट रही है सर के अंदर, और पेन कहाँ पे हो रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेन जो है वो राइट आई टू ऑक्सिपिट हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं ऑक्सिपिट टू राइट आई हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनमें सेम तरीके का पेन होता है, या फिर राइट आई में पेन होता है, तो सेंगुनेरिया और साइलीशिया जो है उनमें पेन होता है ऑक्सिपिट टू राइट आई, और जैसे साइलीशिया मैंने आपको कल बताई थी तो उसमें भी यही था कि पेन जो था वो बहुत क्रॉनिक था, है ना, क्रॉनिक पेन था, ऑक्सिपिट टू राइट आई पेन आता था, ऑक्सिपिट, वर्टेक्स, राइट आई, और जो ये सेंगुनेरिया है उसमें भी सेम कैरेक्टर है पेन का, और पाइजीलिया में पेन जो है वो है ऑक्सिपिट, वर्टेक्स, लेफ्ट आई, तो हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी दवाई में पेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी जो है सिर्फ पेलिएट कर रही है, और साथ ही साथ जो है ट्यूबरकुलर हिस्ट्री होनी चाहिए मरीज़ की। स्कूल गर्ल्स हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, दैट इज़ एग्रवेटेड स्टडी, स्लाइट मेंटल एग्जर्शन, और वेन यूजिंग आईज इन क्लोज वर्क एंड ग्लासेस फेल्स टू रिलीव, तो ये जो लाइन है कि ग्लासेस फेल्स टू रिलीव, जब चश्मे से भी सर का दर्द ठीक नहीं हो, नॉर्मली क्या होता है हेडेक होता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि आई साइट वीक हो गई, लेकिन अगर अच्छे नंबर का चश्मा भी लगा दिया, ठीक नंबर का चश्मा भी लगा दिया तो भी सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें दो दवाइयाँ आती है, एक तो आती है ट्यूबरकुलिनम, दूसरी जेलसीमियम, जेलसीमियम में वीकनेस हो जाती है सिलेरी मसल्स की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लास लगा रहे हो आप वो भी क्या होंगे, बार बार नंबर चेंज होते रहेंगे, सही वो भी लगा दोगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ये जो ट्यूबरकुलिनम है इसी में भी यही है कि हेडेक हो रहा है, और दैट इज़ एग्रावेटेड बाय स्टडी स्लाइट मेंटल एग्जर्शन, थोड़ा सा मेंटल एग्जर्शन कर लिया तो हेडेक इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये स्किन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, अब जिनको भी टीबी होता है उनमें एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है एक स्टेज पर कि नाक के अंदर फुंसी हो जाती है,
और जिसमें से पस निकलता है, जिनको भी ट्यूबरकुलोसिस होता है उनमें ये कंडीशन डेवलप हो जाती है कि नोज़ के अंदर ग्रीन फेटिड पस की जो है बॉयल बन जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती है। सो क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बॉयल्स इंटेंसली पेनफुल सक्सेसिवली अपीयर इन द नोज़। छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाएगी और बहुत ज़्यादा पेन करेंगी वो, और बार बार नाक में ये अपीयर होती रहेंगी, या फिर एक ख़त्म ही नहीं हुई दूसरी फुंसी आ गई। इस तरीके का बॉयल की टेंडेंसी होती है। ग्रीन फैटेड पस होता है उनके अंदर, यानी कि बदबूदार पस निकलता है जिनमें ट्यूबरकुलर हिस्ट्री होती है। तो अपन देख सकते हैं कि ट्यूबरकुलिनम को जब से स्टार्ट किया है तब से एक लाइन कॉमन चल रही है कि हर लाइन में ये लिखा हुआ है, हर जो आप सिम्टम देख रहे हो उसमें ये लिखा हुआ है ट्यूबरकुलर हिस्ट्री, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री होनी चाहिए। फैमिली में किसी को ट्यूबरकुलोसिस होना चाहिए, या फिर आप फैमिली ट्री देखो उसमें किसी को ट्यूबरकुलर हिस्ट्री मिले, या फिर पेशेंट के खुद के ही ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो और वो ठीक हो गया हो उसके बाद कोई सिम्टम आ रहे हो, तो ये सारी कंडीशंस में ट्यूबरकुलिनम काम करती है। उसके बाद ये जो एक्जिमा है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्जिमा में भी ये लाइन साफ लिखी हुई है ट्यूबरकुलर, यानी कि आप देखो ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हर जगह आपको मिलेगी। तो ट्यूबरकुलर एक्जिमा है, पूरी बॉडी पे एक्जिमा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग है जो रात को बहुत ज़्यादा हो रही है मरीज़ में, अनड्रेसिंग के टाइम पर हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अनड्रेसिंग, तो अनड्रेसिंग के टाइम पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है एक दवाई का जो है र्यूमैक्स, जिसमें क्या होता है अनड्रेसिंग के टाइम पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो वो इचिंग जो है हमें ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिल रही है। दैट इज एग्रेवेटेड एट नाइट एंड फ्रॉम बाथिंग। इमेंस क्वान्टिटी ऑफ वाइट ब्रेन लाइक स्केल्स ऊजिंग बिहाइंड ईयर्स, मतलब क्या है कि जो स्केल्स बन जाती हैं स्किन के ऊपर, जो हम देखते हैं ना गेहूं छानते हैं उसके बाद जो थोड़ा सा कचरा बच जाता है उड़ने वाला, तो वो तरीके का स्केल्स जो है बॉडी के ऊपर बन जाती है, और कान के पीछे से पस निकल रहा हो, या फिर आप देख सकते हो हेयर में आपको देखने को मिले ऊजिंग पस की, फोल्ड्स ऑफ स्किन में मिले। अब ये फोल्ड्स ऑफ स्किन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि आप देखो एक्जिमा जो है वो जहाँ पे फ्लेक्जर्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो दैट्स अ कॉमन सिम्टम विद रॉनेस एंड सोरनेस। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, फैटिड डिस्चार्ज है, इंटेंस इचिंग है, और ब्रेन लाइक स्केल्स है। इमेंस क्वान्टिटी ऑफ ब्रेन लाइक स्केल्स अपीयर्स ऑन द स्किन। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। नाउ ये रिंग वर्म की बहुत अच्छी मेडिसिन है, फायरी रेड स्किन हो जाती है उसमें भी इचिंग होगी, दैट इज एग्रेवेटेड एट नाइट फ्रॉम बाथिंग अनड्रेसिंग, तो ये सारी चीज़ें हमें कॉमन मिलेगी। नाउ ये बहुत अच्छी मेडिसिन है प्लाइका पोलोनिका की। प्लाइका पोलोनिका कब, जब बोरेक्स और सुराइनम फेल हो गई तो ट्यूबरक्लिनम रिलीव करवा देगी, ठीक है। जब भी बोरेक्स, जब भी आप देखो कि सुराइनम थी, सल्फर थी, ये काम कर नहीं पा रही, पेशेंट को रिलीव नहीं करवा पा रही, तब क्या है हमारे जो ट्यूबरक्लिनम है वो रिलीव करवा देती है। प्लाइका पोलोनिका क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं सीपिया में एक कंडीशन आती है जिसमें जो बाल हैं वो चिपक जाते हैं, बोरेक्स में भी यही कंडीशन आती है जिसमें बाल चिपक जाते हैं, उलझ जाते हैं, कैन नॉट बी कॉम्ब्ड कंडीशन। तो प्लाइका पोलोनिका में भी क्या होता है कि बाल जो हैं वो चिपक जाते हैं और उनको आप फिर कॉम्बिंग नहीं कर सकते, दे आर मेटेड टुगेदर। अगर बोरेक्स है, सुराइनम फेल हो गई, तो यू शुड थिंक अबाउट द ट्यूबरकुलिनम ऑल्सो। अब ये जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, जब आप देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो ऑब्वियसली जब ये बनी है पल्मोनरी ट्यूबरकल के पस से तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे तो बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करेगी, बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें पता होना चाहिए डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलर डिपॉजिट जो है अपेक्स ऑफ लंग में शुरू हो रहा है, एंड यूजुअली अपेक्स ऑफ लंग इज लेफ्ट लंग। ट्यूबरकुलर डिपॉजिट शुरू हो रहा है लेफ्ट लंग में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए लेफ्ट साइडेड मेडिसिन कौन कौन सी है, या फिर कौन से पार्ट पर कौन सी दवाई
काम करती है, अपेक्स पे कौन सी करती है, बेस पर कौन सी करती है, मिडिल लोब पे कौन सी करती है, अपर लोब पे कौन सी दवाई काम करती है, राइट पे कौन सी करती है और लेफ़्ट लोब पे कौन सी करती है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हमारे पास एक जिस्ट बन जाए सारी दवाइयों की, कि फॉस्फोरस है वो कौन से पार्ट पे एक्ट करती है लंग्स के, सल्फ़र है वो कौन से पे करती है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्यूबरकुलर डिपॉजिट दैट बिगिंस इन द अपेक्स ऑफ द लंग्स यूजुअली लेफ़्ट, यहाँ पर लेफ़्ट साइड जो है वो इन्वॉल्व है। और हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सपोज़ वी आर थिंकिंग अबाउट द फॉस्फोरस एंड सल्फ़र, तो फॉस्फोरस और सल्फ़र में अपर लोब ऑफ द लेफ़्ट लंग इन्वॉल्व होता है। अगर हम देखें कि राइट लंग को कौन सी दवाई इन्वॉल्व करती है, तो आयोडम जो है वो राइट लंग को इन्वॉल्व करती है। उसमें भी मर्कसोल और लाइकोपोडियम जो है वो लोअर लोब ऑफ द राइट लंग इन्वॉल्व करती है, मर्कसोल, लाइकोपोडियम एंड ब्राइनिया, ये तीनों दवाइयाँ हैं लोअर लोब ऑफ द राइट लंग की। अगर लोअर लोब ऑफ द लेफ़्ट लंग है तो हमारे पास दवाई आ जाती है नैट्रमसल्फ। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट पे कौन सी दवाई एक्ट करती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, लेकिन ट्यूबरकुलिनम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो ट्यूबरकुलिनम कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं होगी। हमें पूरा कंफर्म होना चाहिए ट्यूबरकुलर हिस्ट्री का, या तो मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस है या फिर उसकी फैमिली ट्री में कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस है, तो हमें ये दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। फिर कोई सी भी कंडीशन हो, जीआईटी पे एक्ट हो, स्किन पे एक्शन हो, हेडेक हो, या फिर हमको हेयर्स हैं उन पे एक्शन देख रहे हों, कहीं पर भी ये दवाई बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।